महेंद्र यार बारे में ये आप लोगों को अवगत कराना है कि एक हमारा जो अभियान चल रहा है अवैध शस्त्रों के विरुद्ध, उसी के परिपेक्ष में आज थाना नई मंडी ने एक अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें इन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक आदमी अभी इसमें फरार है। इनके पास से करीब 27 तमंचे बरामद हुए हैं, जो 8 तमंचे हैं 315 बोर के हैं, 1 रिवॉल्वर, 3 तमंचा 12 बोर के, 4 तमंचे 32 बोर के। इसके अतिरिक्त जो तमंचा बनाने में जो भी सामान वगैरह यूज़ होता है वो भी बरामद किया गया है। और इसमें जो मेन व्यक्ति था वो सुधीर बालियान नाम का व्यक्ति है, सुधीर बालियान उर्फ मकोड़ा, ये जो मेन काम कर रहा था और जो बाकी लोग हैं उनको ये बेच दे रहा था बल्क में, और ये फिर एक एक दो दो करके बेच रहे थे। चुनाव को लेके जैसे मैंने पहले बताया कि अभियान हमारा चल रहा है कि चुनाव के दृष्टिगत ही, लेकिन ये उससे पहले से काम कर रहे थे। हमारा अभियान जो है चुनाव के दृष्टिगत ही था, उसमें हमने पता करवाया, इनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं किसी इलेक्टोरल कैंडिडेट को तो इन्होंने सप्लाई नहीं किया। सुधीर बालियान का आपराधिक इतिहास और बता दीजिए। इनका अभी इसकी जानकारी कर रहे हैं, अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया। सर कहाँ से पकड़े गए सारे? ये रथेड़ी से मेघागढ़ी नाले के पास जो है, ये हमारे पास सूचना थी कि ये व्यक्ति वहाँ से। क्या और लोग जिनके साथ सर शामिल थे? 6 लोग जो है ये गिरफ्तार किए, एक व्यक्ति है वो अभी फरार है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की। सर लगातार जनपद में कई फैक्ट्रियाँ ऐसी आप लोग पकड़ चुके हो, कोई कनेक्शन आपस में है क्या? नहीं, कोई कनेक्शन अभी तक ऐसा कोई सच कुछ नहीं आया डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि ये छोटे छोटे स्तर पे ये काम करते रहते हैं, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज सेटअप है नहीं यहाँ पे, छोटे छोटे स्तर पे कर रहे हैं, तो कोई कनेक्शन डायरेक्ट ऐसा अभी तक नहीं है। उन वो भी गिरफ्तार हुए हैं, वो मतलब बल्क में खरीदते थे और एक एक दो दो करके ये बेचते थे। फरार सिर्फ एक है ना? अभी एक फरार। एक मिनट सर, हाँ कर दो सर, फिर ये आप लोगों को अवगत कराना है। और जितने भी लोग कहीं स्पेस बनाओ, जैसे फोटो पर लेते हो वो तो चाहिए लोग। हाँ अभी भी ले जाएगा वैसे तो बाहर। ये तो फिनिश की कुर्सी है, तेरी फोटो इन्हें आपके घर पे सारों को। किसी प्रत्याशी का नाम भी सामने आया सर? ठीक है, बाय।